देखो एक भोले किसान जट नू प्रशासन दा अमला फैला जिवें किवें गलबात कर रहा हैगा। हालांकि मीडिया जिहड़ा इस चीज़ नू पक्ष लैके दूसरा चल रहा कि जट नहीं डरते परचियां तो, कोई नहीं परचा हो जू तो फिर की गल हो जू। लेकिन गल इत्थे शायद समझ विच ये आउंदी है कि ये जिमीदार थोड़ा भोला हो सकता, थोड़ा जिहड़ा कह सकते हैं कि प्रशासन जिस तरह उहदे ते प्रभाव पा रहा। सामने तुसीं बठिंडे जिले की एस एस पी मैडम और डिप्टी कमिश्नर जिहड़े बठिंडा दसे जा रहे, होर भी शायद मेरे ख्याल से रीडर होगा जो कोई खेतीबाड़ी बैगवे के मुलाजम हो सकते हैगे आ। अमला फैला एक जट जिमीदार ते किस तरह प्रभाव पाउण की कोशिश कर रहा हैगा और वीडियो दे विच तस्वीरां तुसीं लगातार देख रहे हैगे आ कि परचे की धमकी दी जा रही है, जुर्माने की धमकी दी जा रही है। इस भोले किसान ते किस तरह प्रशासन जिहड़ा बठिंडे का प्रशासन किस तरह प्रभाव पा रहा है, तुसीं तस्वीर देखो गलबात भी सुनो और तुहाडा इस बारे की ख्याल हैगा और की सहूलतां वाकई जिमीदारां नूं मिलदियां हैगियां, जो जिमीदारां नूं सहूलतां चाहीदियां हैगियां पराली प्रबंधन दे विच, जां उस तरह के संद जिमीदारां नूं मुहैया कराए गए हैं कि जो पराली इहदा प्रबंधन हो सके। सो वीडियो देखो तो अपने कमेंट भी जरूर देना, तो वीडियो वध तों वध शेयर करना जी। बस मार्च जीती ली लाके आप आग ला लावांगे तो हो जाऊगा। हुण कहिंदे ओ सनद है नहीं, तुसीं पुछिया किसी नूं कि मैनूं सनद मेरी गल सुनो जी, सस जी दे सस जी दे एज करा लिया 2000 किन्ना 2000 रुपए ने करा लिया सुपर सीडर। हाँ जी करी हुण तुसीं नॉर्मल किन्ना खर्चा कर रहे हो, तुम्हें नॉर्मल इहदे नाल बिजाई किहदे नाल करोगे? हुण ए सुपर सीडर जी, सुपर सीडर जी करना है ना? हां जी कप्पे बाकी उनका नंबर वंबर ले लो, उनको हैप्पी सीटर दिला दो, बट आगे चलो आधी तो आपने बचा दी, फिर भी पैसा तो फिर भी देना पड़ेगा, जुर्माना वगैरह सारा नाम वगैरह नंबर वगैरह सारा नोट कर लो। एक तो इसका जुर्माना लगा लो, किसी का देना मैं डेडी से देख दे दे दो जी नंबर ना अपना सारा दस दो, कार्ड भी दिखाओ, यदि फोटो भी लो कार्ड भी सरकार बदनाम कर ली पे नहीं मिलती सामने ही एक दो किसान डिस्पाइट बीइंग ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल, उन्होंने कहा कि ना तो असीं किसी कोल गए ना सानूं इहदी कोई नॉलेज है और काफी एडमेंट सीगा कि जी असीं तां यही करांगे। तो इस तरह के जिहड़े लोग है जिहड़ा बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं करते, तो साढ़े कोल तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं है।
ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨੋਟ ਜਸਟ ਇਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਬਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕ ਹਟ ਜਾਣ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ A223 BNS ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਫੈਂਸ ਭਾਵੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਂਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਏ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਜੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਫੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਚਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।